नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। कोरोना वायरस जो है जानलेवा बनता जा रहा है। जी हाँ, जिस तरह से परिवार के परिवार साफ हो जा रहा है कोरोना वायरस से, उसके बाद देश के अंदर चिंताएं बढ़ती जा रही हैं। इस बीच आपको एक बड़ी खबर बताने जा रहे हैं कि पश्चिम बंगाल, जिस पर पिछले दिनों खूब सियासत हो रही थी और पश्चिम बंगाल चुनावों की वजह से ही माना जा रहा था कि देश के अंदर लॉकडाउन नहीं लगाया जा रहा है, तो अब ये बड़ी खबर आ रही है पश्चिम बंगाल से कि पश्चिम बंगाल में भी लॉकडाउन लगा दिया गया है। जी हाँ, पश्चिम बंगाल में लॉकडाउन का ऐलान किया गया और कल से ये प्रभावी हो जाएगा। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है पश्चिम बंगाल में। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जिस तरह से सियासत इर्द गिर्द घूम रही थी पिछले दिनों पश्चिम बंगाल के, दरअसल पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने पूरा जोर लगाया था ममता बनर्जी के खिलाफ। हालांकि चुनाव में बीजेपी की हार हुई, बुरी हार हुई, बड़ी हार हुई और ममता बनर्जी फिर से राज्य की सीएम बन गई है। ममता बनर्जी ने पिछले 4 तारीख को, आपको हम बताएं कि तृणमूल कांग्रेस ने जब भारी सफलता हासिल की, 2 मई को रिजल्ट आया था चुनावों का, उसमें ममता बनर्जी की तौचपोसी फिर से हुई और 4 मई को उन्होंने मुख्यमंत्री के तीसरे कार्यकाल की शपथ ली थी। तो इसके बाद अब बड़ा एक्शन लिया गया है। तुरंत मुख्यमंत्री की शपथ लेने के बाद उन्होंने कहा था कि सूबे में जिस तरह से कोरोना वायरस के मामले बढ़ रहे हैं उसके लिए तमाम उपाय किए जाएंगे और अब सबसे बड़ा उपाय जो लॉकडाउन का, वो कर दिया गया है। पश्चिम बंगाल में कल से लॉकडाउन लागू होगा और बताया जो जा रहा है, जो खबरें आ रही हैं कि सख्ती से लॉकडाउन लागू करने के लिए पूरी व्यवस्था की गई है सरकार की तरफ से। ममता बनर्जी की सरकार ने ऐलान किया है और बताया यह जा रहा है कि 16 मई सुबह से 6 बजे से लॉकडाउन लगेगा, जो 30 मई तक लागू किया गया है और उस दौरान स्कूल कॉलेज और अन्य सभी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। साथ ही साथ मेट्रो और बस सेवाओं को भी पूरी तरह से बंद रखने का ऐलान कर दिया गया है। शादियों में 50 लोगों की अनुमति दी गई है और जबकि अंतिम संस्कार में 20 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकेंगे। तमाम जो है गाइडलाइंस जारी कर दिए गए हैं। कल सुबह 6 बजे से लॉकडाउन पश्चिम बंगाल में भी मुकम्मल हो जाएगा। तो अब आपको हम बताएं कि जिस तरह से पिछले दिनों सियासत थी और सियासत यह पश्चिम बंगाल के इर्द गिर्द ही थी और इस पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा सवाल उठ रहे थे क्योंकि पश्चिम बंगाल में भी कोरोना का कहर कोई कम नहीं था। अगर आपको बताएं एक अगर आंकड़ा हमारे पास है कि अगर पश्चिम बंगाल के 2 जिलों की बात करें, कोलकाता और उत्तर 24 परगना, इन 2 जिलों का जो आंकड़ा था वो राज्य के कुल आंकड़े का 50%, यानी 50% जो है मामले इन 2 जिलों में सबसे ज्यादा थे। और इन 2 जिलों की अगर बात करें कि पिछले कुछ दिनों की, तो 50% से भी ज्यादा मौत हुई है इन 2 जिलों में। अगर राज्य में इस रिपोर्ट में जो है ये दो बिल्कुल ये जिले पूरी तरह से हॉटस्पॉट के तौर पर थे। 1 मई से अगर बात करें तो पिछले दिनों जो आंकड़े आए 1,249 कोविड मौतों में, अकेले उत्तर 24 परगना जिले में 674 लोगों की मौत हो गई थी। ये पिछले 1-2 दिनों का आंकड़ा है। और वही कोलकाता में 313 लोगों की मौत हुई। तो समझ सकते हैं कि ये 2 जिलों जो हैं वो भयावह कोरोना की चपेट में हैं। इस बीच अब बंगाल में भी लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। तो इस वक्त की हम आपको बड़ी खबर बता रहे थे। आप बने रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ, तमाम खबरों से हम आपको अपडेट कराते रहेंगे। धन्यवाद।